बहुत अच्छा सोल होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तभी आप अच्छा गा पाते हैं। इरफान, यू आर ब्रिलियंट गाइस। थैंक यू, थैंक यू। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो क्योंकि आज दिल मेरा लॉन्च हुआ है, तो आप दोनों भी आ जाइए, क्योंकि मैं दो लाइन सुनाने जा रहा हूँ। दिल मेरा खो गया, मैं तेरा हो गया। दिल मेरा खो गया, मैं तेरा हो गया। आउट यूट्यूब पे जाके जरूर सुनिए, BJS म्यूजिक चैनल पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू इरफान। बोलिए आपकी कशिश। ये गाना जनरली कोई रिक्वेस्ट करता नहीं। अच्छा, आपको आपकी कशिश सरफरोश है, आपका नशा यूं मदहोश है, क्या कहें तुमसे जाने जान, गुम हुआ होश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कंपनी के लिए क्या है, आपको कंपनी के बारे में पहला थोड़ा कुछ आप बताएंगे, किस तरह से आपने शुरुआत की है। आज का सर आप बताइए, सब आज नए गाड़ी की शुरुआत हुई है, नए साल में गाना बहुत शानदार है, आपने बहुत अच्छा। आई एम वेरी थैंकफुल टू BJS म्यूजिक भुवन जी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए बुलाया, और जब मैंने पहले गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्यूटिफुली कम्पोज बाई नवाब सवाब आफ्ताब, और बहुत अच्छा लिखा भी है नवाब भाई ने। सो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से इसको अच्छे से निभाने की, और उम्मीद करता हूँ कि जब लोग सुनेंगे तो बहुत पसंद आएगा। सर आप बताइए, आप बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा गाना है, और पहले जैसे कि कहा मैं पहले भाई का फैन हूँ, बीच बीच हम लोग गाना सुनते थे, बिल्कुल फील करते थे, फिर वापस सेट पे आते थे, तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने कहा सादगी जैसे अंडररेटेड होती जा रही है, तो ऐसे ही कुछ गाने हमें चाहिए। मैम आप बताइए, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, सुशील सर के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, भुवन जी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है। ही इज समबडी, ऐसे प्रोड्यूसर है जो आप पे पूरा
आप सही कर दो. उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा. ही वॉज जस्ट अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑन सेट एंड वेरी ट्रस्टिंग, वेरी नाइस. मोहम्मद इरफान की मैं भी फैन हूँ पहले से. एज आई मेंशन, मुझे भी बहुत था, मैं सोच ही रही थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले और मुझे मिल गया थैंक्स टू सुशील जी एंड मोहम्मद जी. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. गौरव के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. इट विल बी वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर. रियली नाइस एक्सपीरियंस. आपका नवाब सवाब सब पूरे क्रू को मैं कहना चाहूँगी कि ऑल हैव बीन सो नाइस. इट वाज अ वन डे शूट बट वी हैड अ ब्लास्ट एंड आई एम सो हैप्पी कि आज वो रिलीज हुआ है. साल की शुरुआत ऐसे हुई है, वैसे तो एक महीना निकल गया है बट ऐसे लग रहा है अभी शुरुआत हुई है साल की. तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द रिस्पॉन्स टू द सॉन्ग. काफी कम गानों के साथ जुड़ते हुए देखते हैं हम आपको, ये गाने में क्या खास बात थी अगर उस बारे में कुछ बताएं? आई कम्प्लीटली अग्री विद गौरव. जैसे सबसे पहले जो मुझे पसंद आया इस गाने में वो था साथी कॉम्पोजिशन में. एंड आई सो हैप्पी कि जब मैंने वीडियो देखा, वीडियो में मुझे वही सादगी और वही सिंप्लिसिटी नज़र आई. सो आई एम रियली हैप्पी कि ऑडियो और वीडियो का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इसमें और कंप्लीट जस्टिस किया गया है. सो दैट इज़ द मेन रीज़न, द सिंप्लिसिटी सादगी के बहुत ही सिंपल वर्ड्स में और सिंपल ट्यून के साथ एक बहुत प्यारी सी बात हम कहने जा रहे हैं इस गाने से. तो आई एम श्योर के लोग कनेक्ट करेंगे. सर आपसे जानना चाहूँगा, जब अप्रोच किया आपने तब क्या रिएक्शन था और कैसे ऑन बोर्ड आए, अगर उस बारे में कुछ बताए? क्या पहली चॉइस थे? हाँ पहली चॉइस. जब पहली बार गाना लेके आए कंसर्ट के बाद जाता हूँ तो गए. सर आपसे जानना चाहूँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे हमने देखा कि बहुत ही काम रहते हैं इरफान, काफ़ी डाउन टू अर्थ भी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम? देखिए मेरी ख्वाहिश थी, रुपन जी की ख्वाहिश थी भाई इरफान को दबाया जाए. अब सामने ये मसला था कि वे सिलेक्टेड ही सॉन्ग गाते, गाएं तो महीने में 100 गाते, लेकिन नहीं भाई महीने में एक ही गाऊंगा लेकिन मैं अपनी मर्जी का गाऊंगा. तो जब ये कंपटीशन हुआ तो वो कैसे लिखा जाए सॉन्ग, पुराने इनके जो हिट सॉन्ग सुने, आने वाले सॉन्ग सुने, बहुत बड़ा ये हमारे लिए चैलेंज था. तो लेकर आपका नाम हमने शुरू किया और भाई को पहले भूमित जी को सुनाया, बोले ठीक है हम लोग चलते हैं. फिर भाई की बारी आई, भाई दिल में एक डर भी था क्योंकि एक आम चीज़ और एक ख़ास चीज़ बड़ा फ़र्क होता है. अल्लाह ने नवाज दिया है, अल्लाह ऐसी नवाजे हैं. और फिर हमारा मैं इसमें नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि सब आर्टिस्ट ही होते हैं. तो वो कबूल किया हमारी मेहनत, रंग लाई फन भाई ने, बोले ठीक है अच्छा हम लोग अच्छे से करते हैं. फिर चैलेंज था कि हम लोग चलो लिख तो लिया, कंपोज तो कर लिया, अब इसका म्यूज़िक कैसा होगा? तो फिर ये मेरे बड़े बेटे हैं सवाब और छोटे बेटे हैं आफ्ताब, तो बहुत बोले पापा नो टेंशन, हम लोग बहुत अच्छा मिल के करेंगे और इंशाल्लाह इरफान सर को क्या सभी लोगों को पसंद आएगा. और आज ये लाइव हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग दुआ करते हैं कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भाई इरफान के साथ, सभी के साथ, भूपेन जोशी के साथ जो हमारे एक तरीके से गॉड फादर है, दिलीप मतलब हमारे रिकॉर्डेड बहुत सारे सॉन्ग हुए हैं जो रिलीज पर हैं लेकिन हम लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं VGS म्यूजिक एंड प्रोड्यूसर, थैंक यू मेरे भाई हैं. तो भाई के साथ भी 4-5 सॉन्ग अभी और आने वाले हैं, सिलसिला मरते दम तक जारी रहेगा. थैंक यू भाई. एक्टर से जानना चाहूँगा क्या यूएसपी होने वाली है इस गाने की, अगर ऑडियंस को बताएं आप दोनों? ओवरऑल पैकेज भी बहुत अच्छा है, सिंगिंग बहुत अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है और शक्लें भी अच्छी हैं, ठीक ठाक है. तो कई चीज़ें होती हैं जो दिल से की जाती हैं तो वो टच करती हैं और अभी तक का रिस्पांस अच्छा है, जिसने भी बोला अच्छा ही बोला है इसके बारे में. तो जस्ट कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड और अच्छा होगा, सुपर डुपर हिट होगा. आई थिंक इट्स इतना इनोसेंटली हम दोनों ऐसे हमारी लव स्टोरी दिखा रहे हैं कि कैसे वो अपना इजहार नहीं कर पा रहा है और मैं उसको एंकरेज कर रही हूँ कि अरे अब तो बोल दो, अब तो बोल दो. फाइनली एंड में जाके थोड़ा बहुत हिंट मुझे मिलता है कि हाँ ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड. सो आई थिंक द इनोसेंस ऑफ द सॉन्ग इज द यूएसपी. भुवन जी ये गाना तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, साथ ही दूसरे गाने का आपने एक मोशन पोस्टर हमने यहाँ पे देखा, आपने लॉन्च कर दिया सर, उसके बारे में अगर कुछ बताएं हमारी ऑडियंस? कृष्णा जी ने गाना गाया है, बहुत बढ़िया गाया है. रवि जी ठीक है, शिवा
गाना बहुत बढ़िया है। कब रिलीज करने का प्लान है इसका? नेक्स्ट वन भाई। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। कितना चैलेंजिंग था क्योंकि कोविड का टाइम भी चल रहा है और उस समय पे शूट भी करना है, पूरी यूनिट को एग्जीक्यूट करना है, पूरा कैप्टन ऑफ द शिप का काम होता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा और थोड़ा सा बताइए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? एक्चुअली अच्छा सवाल किया मुझसे। इसकी जब मैंने गाना सुनने के बाद एक जवाबदारी मोहन जी ने मेरे सर पे दे दी कि आप ही इसकी एक स्टोरी लाइन तैयार कीजिए कि कैसे इसको शूट करना है, क्या करना है। तो हम लोगों ने कम से कम 8-10 स्टोरी तैयार की और ये कोशिश की कि इस गाने में सबसे अच्छी स्टोरी क्या बैठ सकती है। तो मेहनत बहुत लगी है इस गाने में, हमने कम से कम 15 दिन लिए एक स्टोरी को क्रिएट करके उसको ओके करके वो ऐड करने के लिए कि हाँ ये एक बेहतर एक लाइन दिख रही है स्टोरी को जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस गाने के लिरिक्स के साथ, क्योंकि मोहम्मद भाई ने बहुत ही प्यारा गाया। तो क्योंकि मोहम्मद भाई का गाना था तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी कि ये गाना मुझे कैसे भी करके अचीव करना है, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देना है। तो होपफुली आप लोगों को गाना पसंद आया होगा और लिरिक्स के साथ में मैं जस्टिफाई कर पाया ऐसा तो आप लोग ही बता पाएंगे। और एक्टर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत अच्छा। गौरव एक्चुअली मेरा काफ़ी पुराना फ्रेंड है और हमारा काफ़ी समय से चल रहा था कि हम लोग साथ में काम करेंगे। मैं गौरव को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ एज अ एक्टर, आई लाइक हिम लॉट। तो इस गाने पे मुझे लगा कि ये गाना गौरव के ऊपर परफेक्ट बैठ सकता है, तो दैट्स व्हाई तो फर्स्ट चॉइस मेरी गौरव ही थी, इसीलिए मैंने गौरव को पूछा और गौरव वही भी था। तो या और रानी के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, रानी बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो मुझे काफ़ी पसंद है पहले से, तो ये शायद इनके साथ मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है। तो दोनों के ऊपर कॉन्फिडेंट था मुझे कि ये गाना इन लोगों के ऊपर परफेक्टली फिट बैठे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या होने वाला है पागलों की तरह, किस तरह का गाना होने वाला है? आपने वो गाना सुना है टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखे, सुना होगा ना? वो गाना मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था, उसी तरह का गाना है। मोस्टली मुझे इंडस्ट्री वाले दुख वाले गाने, रोने वाले गाने, दिल टूटने वाले गाने गवाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा है अपने आप में कि वो काम हम कर पा रहे हैं और ये गाना उसी तरह का है कि हमने चाहा तुम्हें पागलों की तरह और तुम हमको पागल बनाते रहे। इट्स सच ए ब्यूटीफुल लाइन और हार्ट ब्रेक का ही सॉन्ग है जिस तरह से इसका नाम सुनने से पता चलता है इसका। और शिवा ने बहुत अच्छा कंपोज किया है, रवि जी ने बहुत अच्छा लिखा है और भुवन जी का जो भरोसा था मेरे पे, मैं एम रियली हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। और वी हैव सच टैलेंटेड एक्टर्स विद अस हु हैव डन, सोटी जी हैं, हनीफ सर को हम हनीफ जी मैं वीरा के टाइम से जानता हूँ बहुत, हमारी अभी वही बात चल रही थी थोड़ी देर पहले कि वीरा का टाइटल ट्रैक किया था हमने। और so blessed to be with such a good team. सर क्या कहना चाहेंगे इतने बड़े सिंगर, सबसे पहले मोहम्मद इरफान जी और अब सर ऑन बोर्ड आ गए हैं, कितना प्राउड फील हो रहा है एक साथ दो वीडियो सबके सामने मतलब प्रेजेंट करने वाले थोड़े से गैप में? बहुत खुशी का टाइम है। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के बारे में और थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बड़ा तो ये खुशी की बात है कि इतना प्यारा लिखा है सर ने और मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। मुकद्दर से मिलना नहीं हुआ कभी, वीरा के टाइम इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था, मीट की अरदास वीरा। आज जब मैं मिला कृष्णा भाई के साथ में हमेशा मुलाकात हुई, मतलब कोई बात नहीं हो पाई, पार्टी वगैरह में मिलते थे, लेकिन गाना इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत गाया है और इतना खूबसूरत लिखा है कि आपको अगर आप दिल से दो टाइम अगर गाना सुन लेंगे तो आपको जहन में बस जाएगा गाना करके। तो बहुत मजा आया और पागलों की तरह ही किया हमने। मुझे उम्मीद है कि ये रील्स काफ़ी बनेंगे इस गाने के, बिकॉज जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल के और उनके जज्बात को मतलब जो निब्बा निब्बी है ना, आप समझते होंगे निब्बा निब्बी का गाना है ये बेसिकली, लेकिन हर उम्र के बच्चे और यू नो इवन जो सीनियर सिटीजन है उनको भी बहुत पसंद है। सर एक तरह से कह सकते हैं कि लिरिक्स इस गाने का यूएसपी होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? यूएसपी तो इस गाने के कृष्णा जी हैं। नहीं ऐसा नहीं होता है, कोई भी गाना जब बनता है तो पहले 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको लिरिक्स दिखते हैं बहुत ही बेहतरीन, फिर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड एक होता है जिसमें बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन होती है और
उसके बाद आठवें महीने में सिंगर आता है और गाता है और नौवें महीने में एक बेहतरीन गाना यू नो पैदा होता है, बनता है. तो दिस इज हाउ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग इज क्रिएटेड. और उसके बाद पालने में जो झूला झूलता है गाना वो एक्टर्स को लेके होता है. तो ये एक एक्सप्लेनेशन मैं पहली बार दे रहा हूँ बहुत अलग किस्म का. तो फिर वो एक्टर्स उसको फिर ऊपर लेके जाते हैं. सो इट्स लाइक अ टीम वर्क. डायरेक्टर उनका बहुत मैटर करता है. डीओपी कितने अच्छे हैं वो बहुत मैटर करता है. कितना अच्छा डिजिटल इंटरमीडिएट जिसको डीआई कहते हैं हम वो कितना अच्छा हुआ है इस गाने का वो भी बहुत ज़रूरी है. तो हर चीज़ हर इंसान हर पर्सन जो पूरे सेट में जितने लोगों ने काम किया है हम लोग पूरा टीम एक्टर्स और एक्टर्स के साथ में जो मेकअप के भी लोग हैं उन सभी का एक योगदान है जिसकी वजह से एक बेहतरीन गाना बनता है या बेहतरीन म्यूजिक वीडियो बनता है. एक्चुअली इस गाने की शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई. भुवन जी को सिर्फ एक लाइन सुनाई और भुवन जी ने कहा कि चोपड़ा जी गाना शुरू कीजिए और शुरू किया तो शिवा चोपड़ा कहते हैं म्यूजिक कंपोज किया. कृष्णा जी को सुनाया उनको एक बार में पसंद आया गाना. फिर उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ तैयार हुआ सब लोगों की बहुत मेहनत थी. और फिर उसके बाद जब गाना मंदिर जी के पास पहुँचा हम शूट पे थे वहाँ पर तो जो बात कृष्णा जी ने कही कि लोग अगलों की तरह इसे पसंद करेंगे उम्मीद की तरह और वाकई इसमें छोटी भाई का काम देखने का है. इतनी मेहनत की इतने कम समय में और जिस तरीके से शूटिंग का ये था तो सर का बहुत बड़ा इसमें योगदान मतलब बहुत बड़ा योगदान. एक्टर्स भी अच्छे मिल गए लोग भी अच्छे मिल गए सब बहुत बहुत लकड़ी सब अच्छा हो गया. कोशिश की है पागलों की तरह करने पागलों की तरह ही की है जी. हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर का फोन आया था कि गाना शूट करना है तो सर ने बोला पागलों की तरह शूट करना है. एक्चुअली हमने पागलों की तरह वो गाना शूट किया है. सर ने स्टोरी प्लान कर रखी थी. ईच एंड एवरी शॉट वॉज डिसाइडेड बाय अनीफ सर. तो सबको अपना अपना किरदार पता था. कुछ डिले किसी भी काम में नहीं हुआ और गाना इतना बढ़िया शूट हुआ है मैं दिल से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है. और नेक्स्ट जब भी लॉन्च है हमारी लॉन्च डेट होगी तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को गाना उससे बेहतर पसंद आएगा क्योंकि सब लोगों की बहुत मेहनत लगी है. मेहनत ये नहीं कि थोड़े से समय में शूट हो गया लेकिन सबने दिल से काम किया. पूरी पागलों की पहले पागलों की तरह टीम ने पूरी पागलों की तरह शूट किया काम किया है. सो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप लोग इस गाने को खूब प्यार दीजिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए. एंड यही कह सकता हूँ ये उम्मीद करता हूँ. थैंक यू. काफ़ी अच्छा लगा ये एल्बम करके और सही में सेट में हम लोगों ने पागलों की तरह काम ही किया. सर का डायरेक्शन इतना अच्छा है. हनीफ सर का कैमरा इतना अच्छा है. आलू साथ में बहुत पहले काम किया था बट इसके बाद एक ग्रेट वन प्रूव हो गया मेरे उम्मीद सब फर्स्ट एल्बम है बट मज़ा आया काफ़ी काम. थैंक यू सो मच. मैं रात को ही वापस आ गई और जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि पागलों की तरह तो सच में पागलों की तरह ही सबने काम किया है. हम सबने पागलों की तरह ही शॉट्स दिए हैं और सर ने इतने फनी है ये मतलब इतनी मस्ती करते रहते शूट पे और हम लोगों ने मस्ती में मतलब इतना अच्छा काम किया है वो आप लोग को दिखेगा जब हमारा गाना आएगा. तो बहुत मज़ा आया. स्पेशली लिरिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये मतलब याद होने वाले लिरिक्स हैं. आज के सॉन्ग जो आते हैं वो मतलब हम एक बार सुनते हैं एंड आफ्टर दैट हमें याद नहीं रहता कि क्या लिरिक्स थे या क्या लिरिक्स थे. लेकिन हमारी ये जो सॉन्ग के लिरिक्स हैं मैंने जिसको भी मेरी फैमिली में हुई मेरे फ्रेंड जिसको मैंने सुनाए हैं उन सभी को ये याद है. सभी मुझे पागलों की तरह वाली लड़की बोलते हैं. तो आई होप कि ये गाना आने के बाद मेरे मतलब मुझे पागलों की तरह की लड़की का टैग मिल जाएगा. सो आई एम वेरी हैप्पी. एक बात और आप सबसे कहना चाहूँगा मिंक के बाद से मुझे एक बात याद आई. मैं भी अपने घर में गाना सर ने भेजा मुझे सुनने के लिए कि किस तरह से और दीदी जो काम करती मेरे घर में उनको गाना सुनाया. तो सडनली 10:30 उस दिन रात को मुझे कॉल आता है भैया वो गाना भेज सकते हो क्या. मेरे दिमाग से वो गाना जा नहीं रहा है मुझे अपने बच्चों को सुनाना है. सो दिस इज़ ये कि एक बेहतरीन लिरिक्स और एक बहुत ही अच्छी आवाज़ जब मिल जाती है और ऊपर से पूरे डायरेक्शन एक्टर जब साथ में मिल जाते हैं तो नशा चढ़ जाना बिन पिए नशा चढ़ जाना ऐसा गाना है.
क्या एडिट हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं अपने आप से नाराज हूँ कि मतलब मैंने राखी को किस क्यों नहीं किया, ये मेरी नाराजगी है। तो आप लोग एक्चुअली क्या है, जब चकदे का गाना आया था मौला मेरे ले ले मेरी जान, उस टाइम पे इंडिया का T20 मैच वो था, मतलब उसमें क्या हुआ कि मुझे था कि मेरा गाना बहुत हाईलाइट होगा, हालांकि हाईलाइट बहुत हुआ बाद में, पर गाना इट्स बहुत बहुत बड़ा गाना है, और उससे लेकिन क्या हुआ कि इंडिया जीत गई वो कप, तो फिर चकदे इंडिया ज़्यादा पॉपुलर हो गया, जो टाइटल ट्रैक था फिल्म का। और मेरे क्या होते थे, जब इंडिया हार जाता था सौरभ गांगुली ऐसे जा रहे तब मौला मेरी जान चलता था, तो मेरे गाने वैसे ही रही हैं शुरू से, और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो वो था, मुझे ये था कि अभी ब्रीफिंग प्रॉपरली हुई नहीं थी हमारे पोस्टर लॉन्च में, तो एक्टर्स को भी मेरे बारे में पता नहीं था, ना हम इंट्रोड्यूस हुए थे एक दूसरे से ना कुछ, तो उस वजह से ना वो मेरे बारे में कुछ कह पाए ना मैं उनके बारे में कुछ कह पाया, तो ये मैं बोल रहा था एडिट कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया है और अच्छा है। ओके, लास्ट में सर आपसे जानना चाहूंगा, आपने पूरी टीम से क्या सीखा, आपके पिताजी से आपने क्या सीखा, अगर कुछ बताया एक्सपीरियंस के बारे में। नहीं, सीखना नेवर स्टॉप्स, आप कभी रुक नहीं सकते हैं, ये सीखना बंद नहीं होता है, मैं बचपन से इनसे तो काफ़ी कुछ सीखता ही आ रहा हूँ, हमेशा सीखता रहूँगा, बट देन एवरी डे यू लर्न अ न्यू थिंग, आप नए लोगों से मिलते हैं, आपकी नई चीज़ें सीखते हैं उनके बारे में। तो सारी प्रोसेस शुरू हुई, मैं BJS के ऑफिस गया, सर से मिला, बहुत कमाल के इंसान है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, आज इंटरव्यू में भी आपने देखा होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात बता देते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ इस गाने से, और फिर वो जब इतना क्लियरली बोल देते तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, उस चीज़ को समझा पाने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिर जब कंपोजिशन हो गई, फिर डैड ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कृष्णा सर से बात हुई है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बिकॉज मैं बहुत 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 ज़्यादा फैन फॉलोइंग है मेरी मन में उनके लिए, और शुरू से सुन रहे उनके गाने, तो ऐसा लग रहा था कि ये शायद सच है या नहीं है, रिकॉर्डिंग के दिन तक तो ऐसा लग रहा था नहीं यार ये शायद सपना है, ये सच होगा नहीं होगा, बट देन इवेंचुअली इट हैपेंड एंड इट टर्न्ड आउट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल, हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल पे जाके बनेगा, एंड फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड होती गई, द कास्ट गॉट सिलेक्टेड एंड आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, बिकॉज मैं शूटिंग में यूजली कहीं जाता नहीं, इस गाने की पूरी शूट पे था मैं थ्रू आउट, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया सर से, काफ़ी कुछ सीखा मैंने उन सर से, हनीफ सर से बहुत काफ़ी कुछ सीखा, इन एक्टर्स तो कमाली हैं, उनके एक्सप्रेशन दे आर वंडरफुल, दे पुट लाइफ इनटू द सॉन्ग्स डेफिनेटली, सो दैट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। मैंने कहा था ना जैसे कि शिवा जब पैदा हुए थे तब मैंने रवि जी के साथ एक गाना किया था, और रवि जी का अचानक कॉल आया, तो फिर मुझे लगा कोई और गाने के लिए कॉल किए होंगे, तो बोलते मेरे बेटे ने म्यूजिक किया, मैं क्या इतना बड़ा हो गया, हमने इतने टाइम पहले काम किया था, उसके बाद काम कर नहीं पाए बीच में अनफॉर्चुनेटली, सो आई एम सो हैप्पी के ही इज डन सच अ ब्रिलियंट जॉब, बहुत अच्छा कंपोज किया है, गाने का प्रोडक्शन वैल्यू भी बहुत अच्छा है, और प्रोडक्शन जो म्यूजिक प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, और जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है जिस तरह के गानों का रील्स में आप देखते हैं वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, दैट इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।